नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। आज हम बात करेंगे ऐसे दवाई की जो हम मोस्ट सबसे ज़्यादा ओवर द काउंटर लेते हैं, या दवाई दुकान से जाकर के थोड़ी सी भी ठंडी खांसी लगती है हम जाकर के ले लेते हैं। उस दवाइयों को हम यूजुअली कफ सिरप के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो, कफ सिरप एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में से एक नहीं मात्र, बल्कि ऐसी दवाई है जिससे कई सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसमें अगर हम चर्चा करें दुष्प्रभाव की, तो सबसे पहली तो बात यह है कि कितने सारे ऐसे कफ सिरप्स हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वजह से हो सकता है हाथ पैर में लगातार कंपन हो जाए, हो सकता है कि कफ सिरप को लेने के बाद मेमोरी लॉस हो जाए, याददाश्त में कमी आने लगे। बहुत ऐसे कफ सिरप हैं जिनको लेने के बाद लत भी लग सकती है, इसीलिए कई सारे कॉम्बिनेशन बैन भी हो चुके हैं। लेकिन हम सभी को जागरूक रहना चाहिए इसके बाबत, प्रयास करना चाहिए कि केवल खांसी होने पे ही कफ सिरप ना लें। बाहर हमारे US की बात करें या UK की बात करें, वहाँ पे कफ सिरप्स जो हैं सबसे कम प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। कारण ये है कि कफ सिरप का जब ट्रायल किया गया तो उसमें दिखता है कि वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए वीक से 10 दिन तक तो आप दे सकते हो, ले सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से उसके दुष्प्रभाव बहुत पोटेंट और बहुत लाजमी होने लगते हैं हमारे शरीर के ऊपर। कोशिश ये करनी चाहिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सूखी खांसी है तो उसका कफ सिरप बिल्कुल अलग है। अगर आपकी खांसी में कफ आ रहा है, उस कफ का कारण क्या है, क्या वो म्यूकस है, थिक म्यूकस है, गाढ़ा खखार जो आ रहा है, उसमें अलग कफ सिरप चलती है जो म्यूकोलिटिक होगी, या ब्रोंकोस्पाज्म के वजह से कफ है, लग रहा है कि आपको दमा वाली खांसी है, आपका खांसते खांसते दम फूल रहा है, उसमें बिल्कुल अलग चल सकती है। बहुत बार मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनमें कफ ट्रॉपिकल पल्मोनरी इसिनोफिलिया की वजह से होता है, यानी ये बीमारी जिसमें सुरसुरी होती है, खांसी आती है, लगता है गले में से कुछ अटका हुआ है, शाम के समय खांसी ज़्यादा आती है, और वो लोग कफ सिरप पी रहे होते हैं सूखी खांसी की, जबकि हो सकता है कि उनका जो फ्लेगम है, उनका जो एक्सपेक्टोरेशन है, वो ठीक से वो कर ना पा रहे हैं, उनका जो खखार है वो निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से खखार ट्यूब्स के अंदर रहता है और बार बार इरिटेट करता है और खांसी होती है, और वो ठीक कफ सिरप पी रहे होते हैं सूखा खांसी की, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ निकलता नहीं है, खांसी तो सूखी है, जबकि कफ आपके अंदर ही रहता है। इस वजह से वैसे पेशेंट्स को एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप देना पड़ता है डॉक्टर्स को, जिसकी वजह से वो जो ट्यूब्स हैं एयर की वो थोड़ी सी फैल जाए, वो कफ थोड़ा सा जो गाढ़ा है वो पतला हो जाए, म्यूकोलिटिक हो जाए, और उसके फिर वो आसानी से आप एक्सपेक्टोरेट कर पाओ। ऐसे ही पेशेंट्स हैं जिन्हें काफी ज्यादा खखार आता है, कफ आता है, ब्रोंकेक्टेसिस के पेशेंट्स हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, उनमें कफ सिरप बिल्कुल अलग चलता है। अगर ब्रोंकोस्पाज्मिक कफ है, कफ के साथ साथ आपका दम भी फूल रहा है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए फिर हमें लिवोसल्बुटामॉल बेस्ड कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। अब हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें कोई कफ सिरप नहीं चल सकता। अगर ट्रेमर्स हैं बॉडी में, किसी तरह के ब्रेन की बीमारी है, उसमें बहुत सारे कफ सिरप नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी का समझना कि कफ सिरप जब भी लेने जाएं, ऐसा ना कि सूखी खांसी है, गीली खांसी है, ये मानते हुए कहीं से भी कोई कफ सिरप लेकर के उसे हफ्तों तक पीते हैं, ऐसा नहीं होता। 5 से 7 दिन तक मैक्सिमम कफ सिरप को पीना चाहिए। अगर खांसी अचानक से तेज़ हुई है, बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से जब भी मिलो आप एक कफ सिरप बोल लो कि सर ऐसी खांसी होती है, आप मेरी बीमारी को जानते हो, आप एक कफ सिरप लिख दो जिसकी वजह से अगर कफ मुझे आए तो मैं इसे 5 से 7 दिन ले सकूं और फिर ठीक रहूं तो आपके पास आ सकूं। क्योंकि बहुत बार सिर्फ टैबलेट्स के लिए ही एलर्जिक कफ या बिना कफ सिरप के भी खांसी ठीक हो जाती है। ऐसा 70% केसेस में मैंने देखा है कि मुझे भी कफ सिरप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खांसी ठीक हो सकती है। तो ओवर यूज़ कफ सिरप का करने से याददाश्त में कमी होना, हाथ पैर में कंपन होना, हार्ट की बीमारियां हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो कहीं से भी कफ सिरप लेकर के डायरेक्ट पीने के सेवन से बचना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस करिए कि किस वजह से आपका कफ है, अपने डॉक्टर से मिलिए, और कफ अगर ज़्यादा है, ज़िद्दी है, ठीक नहीं हो रहा, तो चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपका इसिनोफिल देखें, हो सकता है कि आपके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म हो, तो आपका स्पायरोमेट्री टेस्ट करें। लेकिन कॉज पर जब जाएंगे, जब कारण खोजेंगे ना हम खांसी की, तो पूरी तरह आपका खांसी कंट्रोल हो सकता है बिना कफ सिरप के भी, ये पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा सचेत रहिए, कोशिश कीजिए कि कारण तक पहुंच के बीमारी को दूर करें, ना कि कहीं से भी जाकर कफ सिरप बस बोल करके ले लें। ये जानकारी आप सभी के लिए ज़रूरी थी। धन्यवाद।